किसान की बेटियों ने दौड़ में लहराया परचम। नोवा क्रॉस कंट्री दौड़ में रंजीत पटेल और पूजा सिंह ने मारी बाजी। पंचदेवरी प्रखंड के पंचदेवरी बाजार में नोवा क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता में पूजा सिंह सदरपुर बडरिया सिवान और रंजीत पटेल गोरखपुर ने प्रथम स्थान लाकर अपने अपने जिले का नाम रोशन किया, जबकि पंचदेवरी प्रखंड के बीडीओ मनीष श्रीवास्तव और अंचल अधिकारी सीओ आदित्य शंकर ने पीडी सेंट्रल एकेडमी ग्राउंड से दौड़ प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आए हुए सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जबकि पीडी सेंट्रल एकेडमी के बच्चों ने अनेक कलाओं के साथ प्रदर्शन से लोगों और अतिथियों के मन को मोह लिया। समापन के दौरान पीडी सेंट्रल एकेडमी के प्रबंधक ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप और आगे जाएं और अपने गांव और देश का नाम रोशन करें। संवाददाता शत्रुघ्न यादव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपीपी न्यूज और मैं शत्रुघ्न कुमार यादव आज पहुंच चुका हूं गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड यानी पंचदेवरी बाजार में, जहां पीडी सेंट्रल एकेडमी में हर साल प्रतियोगिता कराया जाता है। नौवां क्रिस कंट्री के प्रतियोगिता का आज दौड़ समापन हुआ है, जिसमें तमाम दूर दूर से दौड़ का धाविका और धावक इसमें शामिल हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, जैसे इसमें रखा गया था फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उनसे जानेंगे किस तरीके से आज इन्होंने फर्स्ट और थर्ड का जो पावधान था उसे पार किया। सीधे जुड़ना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा सिंह है और हम ईगल फिजिकल एकेडमी से आए हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। हम दौड़ में हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब से हम एकेडमी ज्वाइन किए हैं मेरा दौड़ बना है और मेरे गुरुजी यहीं पे शामिल हैं। तो जैसे आपने दौड़ का जब शुरुआत किया तो कैसे आपने फर्स्ट जो दौड़ था उसमें सबसे अव्वल आपने कैसे आ गए? तो क्या आखिर जैसे मान लीजिए दौड़ आपने शुरुआत किया यानी सबसे आपने फर्स्ट आया है, तो क्या आपके आपके माइंड में क्या चल रहा था कि आप फर्स्ट आ गए? चाहे मान लीजिए ऐसा हो रहा था कि हम सेकंड भी हो जाएंगे, हार भी जाएंगे, पता नहीं जीतेंगे, तमाम तरह की बातें चलती है, तो आप फर्स्ट जो आपने रनअप निकाला, क्या किस चीज़ को किस सामना को लक्ष्य को सामने रखा आपने निकाला? हम बहुत दूर से आए थे जी, मैंने दौड़ने के लिए मम्मी पापा यही मैंने ऐसी करके भेजे कि मेरी बेटी इतना दूर से जा रही तो कुछ करके आएगी। अब हम भी आए तो सोच के आए कि हाँ उतना दूर से आए तो मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन और मेरे एकेडमी का। ये चीज और आपसे जाने, क्यों आपने दौड़ को ही चुना? जैसे हर क्षेत्र में लड़कियां महिलाएं आगे जा रही, आईएएस पीसीएस बन रही है, हर क्षेत्र में अपना प्रतिभा को उभार रही है, तो आपने क्यों दौड़ का ही चुनाव किया? हम बचपन से ही दौड़ते, उतना मेरी दीदी का जॉब होना था ना बिहार पुलिस में, तो उन्हीं के साथ हम दौड़ते रहे, तो वही बचपन से मेरा रुचि था दौड़ने में। आप अपने जीवन का क्या लक्ष्य रखी है? बिहार पुलिस में जाना है जी, इसलिए आप दौड़ हर दौड़ में शामिल होते हैं जी। तो इससे देख सकते हैं बिहार की बेटियां कितनी आगे निकल रही है। सीधे जो सेकंड ग्रुप में आई इनका मैं नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? अनीता पटेल। कहाँ से हैं आप? वाराणसी से। और आपको कहाँ से जानकारी हुआ कि स्पीडी सेंट्रल एकेडमी में दौड़ हो रहा है? पोस्टर को देखकर। तो आपने यहाँ पे पहुँच के दौड़ के लिए? हाँ भैया लोग आए ना। अच्छा, क्या रीजन रहा कि आप पूरी प्रयास तो की होंगी कि हम भी फर्स्ट आए, लेकिन क्या रीजन रहा कि आप सेकंड पावधान पे चली गई? पता नहीं, हमको नहीं मालूम है। निश्चित तौर पे प्रयास भी करना चाहिए कि हम भी अव्वल आए, क्या करना चाहेंगे इसमें? कोई चूक होगी इसीलिए मिस्टेक हो गया। बिल्कुल, तीसरे दौड़ पे जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। ज्योति, नियर फिजिकल कैंप से आए। कहाँ से आई हैं? बेतिया से जी। आपने बेतिया से आकर यहाँ दौड़ में आप शामिल हुई, क्या महसूस हो रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो व्यवस्था था दौड़ का आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या रीजन रहा कि आप तीसरे नंबर पे चली गई? हम कल मैराथन में दौड़े थे, गाया मैराथन जी, तो 3 दिन से खाए पिए भी नहीं है, तो आज रनिंग भी किए, तो थोड़ा थकान वगैरह हुआ, तो चले थर्ड स्थान पर। बिल्कुल, आप ऐसे देख रहे हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं और हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रही है, हर प्रतिभा में आप एक अलग पहचान बना रही है। मैं बगल में जुड़ रहा हूं, जिसमें मैं पहले भी बता रहा था आपको कि धावकों का भी था और धाविका का भी, यानी जेंट्स और लेडीज दोनों दौड़ था, जिसमें बेटियां अपनी पकड़ बनाई है। 3 लोग जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आई है, और इधर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप है, इनसे भी हम जानेंगे। लेकिन सीधे मैं प्रकाश डालना चाहूंगा इन बेटियों पर, और बेटियां कहाँ से बिलोंग करती हैं, इनके माता पिता करते क्या? सीधे इस पे प्रकाश जाना, क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी फार्मर हैं। और आपके? मेरे पापा किसान करते हैं। आपके? मेरे पापा फार्मर हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि तीनों लोगों के पिता फार्मर यानी किसान है। जिस तरह किसान धरती को चीर कर फसल को निकालता है, सेम आज बेटियां 250 की संख्या में उन लोगों को चीर कर सीधे अपनी एक जगह बनाई है। सीधे जुड़ना चाहेंगे जो बगल में 3 लोग है, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार पटेल, गोरखपुर से।
गोरखपुर से आप आए? हाँ जी। कहाँ से आपको सूचना मिली आप यहाँ पे आए? गोरखपुर से ही। गोरखपुर से ही। आप जो फर्स्ट आपने आया दौड़ लगाया, क्या प्रयास रहा, मतलब किस तरह की आपके मन में हो रहा होगा? जैसे 250 की संख्या थी, मन में तो कुछ तो हो रहा कि कितने बच्चे हैं, पता नहीं मैं आऊंगा, या इस तरह की कुछ माइंड में आपको आ रहा था कि नहीं? हाँ, ये तो माइंड में आ ही रहा था, लेकिन सर मैं बता दूं, मैं काफी टाइम हो गया मुझे दौड़ते, तो थोड़ा अनुभव तो है ही। जी, कितने सालों से दौड़ते हैं? कम से कम 16-17 साल तो हो ही गया होगा। 17 साल हो गया। और आपका क्या लक्ष्य है आगे? लक्ष्य है सर, मैं देश के लिए कुछ अच्छा करूं और अच्छे स्तर पे खेलूं, जैसे एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, ओलंपिक हो, इसमें पार्टिसिपेट करूं और देश के लिए मेडल वगैरह जीतूं, ऐसा उद्देश्य है मेरा। बिल्कुल। जो सेकंड रूप में आया, क्या नाम है आपका? रोहन कुमार राजभर, बनारस से हूँ मैं। और क्या नाम है, मैं साई एकेडमी से रहता हूँ। जी, साई पर मेरा, मैं साई एकेडमी में रहता हूँ। बनारस से आप यहाँ पे पहुँच गए? जी जी। आपको किस माध्यम से सूचना मिला था कि यहाँ पे हो रहा है? कोई मेरा मतलब कोई लिस्ट भेजा था कि चले जाओ बनारस में गेम है, तो मैं आया था गेम खेलने। अच्छा, क्या कारण रहा कि आप सेकंड जगह को स्थान प्राप्त किए, फर्स्ट क्यों नहीं आप प्राप्त किए? क्योंकि होता रहता है, आगे पीछे बाड़ी नहीं चलती है, और अगर बाड़ी चलती तो फर्स्ट सेकंड होता रहता हूँ, लेकिन से बाड़ी नहीं चली इसलिए। बिल्कुल। जो सीधे हम दिखाएंगे आपको थर्ड के रूप में जो स्थान प्राप्त। मेरठ से हूँ। मेरठ से आए जी। कितने दिन पहले आप यहाँ पे आए थे? मैं कल ही रात ही, रात में आए जी। और आपने जो दौड़ के प्रतियोगिता यहाँ का हुआ, उस दौड़ के बारे में क्या कहना है? यहाँ के जो आयोजन समिति है, जो इस स्कूल के प्रबंधक है अशोक गिरी जी, जो यहाँ पे हर साल दौड़ कराते, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कहना तो कुछ ज़्यादा है नहीं, पर जैसे मैंने लोगों से सुना है, अपने उधर भी बिहार ऐसा ऐसा है, पर मुझे यहाँ ऐसा लगा कि मेरा जितना जी लग रहा कि मैं यहीं रह जाऊँ जी। हाँ, इतना अच्छा मन है और शांत स्वभाव सारा चीज़, और जितना मतलब कि जैसी ये रेस है, छोटी भले ही हो, पर जो यहाँ का प्रदर्शन है, जो देखने लायक है, ये यहाँ का बहुत मुझे अच्छा लगा। क्या कारण रहा कि आप तीसरे नंबर पर चले? कारण तो बॉडी है, कभी अप चलती है, कभी ऊपर भी चलती है, फिर हम भाई साहब हैं, बहुत सीनियर प्लेयर हैं, तो दिमाग में ये भी रहता है यार, तो इतना ही हमारे लिए बहुत वो है कि हम इनके साथ दौड़ रहे हैं। प्लेस तो छोड़ दो, दौड़ना बहुत बड़ी बात है। एक चीज मैं और आप तीनों लोगों से जानना चाहूंगा, यहाँ पे जो दौड़ की सीमा है, उम्र की सीमा नहीं है, बड़े उम्र के भी लोग दौड़ लगा रहे हैं, छोटे उम्र के भी दौड़ लगा रहे हैं, इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? उम्र तो कोई मायने नहीं रखता है सर, लेकिन तैयारी हो तो कुछ भी हो सकता है। क्या कहेंगे इस पे आप? मैं तो भैया भी सही कर रहे हैं कि तैयारी अच्छी रहेगी तो अच्छा, सब मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर ही रहेंगे। क्या कहेंगे उम्र के बारे में? क्या कहेंगे इसमें? उम्र में प्लेस आओ ना आओ जी, तो शरीर तो फिट रहेगा जी, जी। और उससे दूसरों को भी ये लगेगा कि भाई इतनी उम्र का दौड़ सके तो हम भी दौड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, बेटियां किसी बेटे से कम नहीं, उसका ब्याह कर रहा सीधे जिस दर्शकों में आपको दिखा रहा हूं, एक तरफ बेटे अवल तो दूसरे तरफ बेटियां अवल, कहा जाए तो बेटा और बेटियों में कोई फर्क नहीं, जिन्होंने कहा है सही कहा है, और उसका सीधे उसका प्रदर्शन कर रहे हैं यहां पे बेटियां। मैं इनसे भी जानना चाहूंगा, आप जैसे महिलाएं जो खेलकूद में लगातार आगे बढ़ रहे हैं बच्चियां, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये मैसेज करना चाहती हूँ कि वो सब भी देख के मतलब कुछ सीखे हम लोगों से जी, जैसे हम लोग बड़ों से देख के सीखे हैं। क्या आप कहना चाहेंगे जो आगे दौड़ और भी हैं, जो दौड़ लगाए हैं, जो इसमें अव्वल नहीं आ पाए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम उन लोग को अपना हमारे ग्राउंड में मतलब सीरियल लोग हैं, हमारी सिस्टर लोग वो कर रही थी वहाँ हॉस्टल में, वो लोग हमें सीख दी, उन लोग को मुझे शिक्षा दी, उन लोग के थोड़ा से लेवल पे हम नेशनल लेवल पे खेले हैं, स्टेट मेडल है, तो हमारा 5-6 साल हो गया है। दौड़ क्या कहना चाहेंगी जो आने वाले कल के बारे में, जैसे मान लीजिए बेटियां और भी हैं इसमें दौड़ लगा रही, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहूँगी कि मेहनत करें लगन से। सिटी यहाँ पे लाया कौन है इतने दिन? मम्मी। मम्मी कहाँ आई है? यहाँ पे। मैं चाहूंगा सीधे उनको, मम्मी कहाँ से लेकर आई है? हाँ, बेटिया बेटी को आप अकेले लेकर आई है? नहीं, केरमी लोग साथ में है, ग्रुप है, जहाँ भी कैसा खेल आयोजन होता है अपने बेटी को लेकर जाए जी। तो क्यों आप बेटी को इसी क्षेत्र में उतारने का काम किया, क्यों नहीं आई उस विशेष लेवल में? आपको ये भी पढ़ने ही चाहती है, आई भी खेलने ही चाहती है, खेलने में बहुत मैंने अच्छा प्रमोश देती है, बस पूरा सपोर्ट करती है। हाँ, पूरा सपोर्ट हम लोग देते हैं जो करो, मतलब पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी एक ना एक दिन अपने पंचम को लहराएगी जी।
बिल्कुल, तो देख सकते हैं वो आपको आपके हैंड से काम करती है, मतलब जी, हर जगह सिखाने काम करती है। तो क्या कहना चाहेंगे, तीसरे स्थान को प्राप्त किए, क्यों नहीं आपको कहीं ना कहीं सिखाने में कमी रहा होगा जिससे वो तीसरे स्थान को प्राप्त, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम लोग गाया भी गए थे दौड़ने, वहाँ पर हम लोग हरसमेंट वहाँ पर, खाना भी टाइम पर नहीं मिला, उसके बाद बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पर भी आए, बोलेंगे चलिए गोपालगंज में भी रनिंग वहाँ पर भी है तो वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, बहुत मैंने खाना भी टाइम पर नहीं मिला, इसके लिए वो थर्ड आई है, फिर मेहनत करेगी आगे भी हम लोग आएंगे फिर ही तो फर्स्ट एक दिन आएगी जरूर। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं मैं सीधे आज बात किया पीडी सेंट्रल स्कूल के ग्राउंड से, तो दौड़ हुआ था आज 9वां वर्ष का क्रॉस कंट्री का प्रतियोगिता था जिसमें बच्चे बच्चियां ऑल आए, अभी कुछ ही पलों में मंच के माध्यम से सीधे इनको प्राइज दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा और सीधे अपने गुरु जी यही आपको कंटिन्यू सिखाते हैं जी, हर जगह। और ये ट्रेनर एक अफरोज सर है, कहाँ है वो, क्या कहना चाहेंगे जो आज ये फर्स्ट आई है? बस यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैं मेहनत कराए वैसे वो की है। कितने सालों से आप ट्रेनिंग दिलाने का काम? मतलब हम 2 महीने से ट्रेनिंग दे रहे हैं, 2 महीने से हाँ। और आज ऐसे मुकाम पे आपने इतने बेहतरीन ट्रेनिंग दिया है कि आज उसमें फर्स्ट आकर अपना नाम एक रोशन किया है। बस कोई मेहनत ही में कोई कमी नहीं की है, इसी के कारण से वो अपना प्रदर्शन दिखाई है। बिल्कुल, एक कौन है जो आपको ट्रेनिंग दिला? सीधे जुना, क्या नाम है सर आपका? जैन साथी, मैं ऋतिक सिंह जी, जो कि ईगल फिजिकल एकेडमी का डायरेक्टर। हम ईगल फिजिकल एकेडमी अपने लड़कों और लड़कियों को बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं जिससे आज ट्रेनिंग का परिणाम दिख ही रहा है आप सबके सामने। बिल्कुल, तो आप ट्रेनिंग के बारे में बताएं, जैसे मान लीजिए आपका ट्रेनिंग कहीं ना कहीं अच्छा रहा तो आज एक नंबर पे आइए, तो सामने जो जैसे मान लीजिए इस कार्यक्रम में ओवल नहीं आ पाए उनके लिए आप एक अच्छा समय से क्या करें कि अच्छे स्थान को प्राप्त करें? अच्छे स्थान प्राप्त करने के लिए पहले जुनून होना चाहिए अंदर कि हमको इस काम को करना है तो करना है, एक अंदर लक्ष्य होना चाहिए, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ गए? उसके बाद यही है, मतलब जो दिल से मेहनत करेगा उसको आने कर, इसमें किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता है, बस आप मेहनत करोगे एक ना एक दिन मुकाम मिलेगा ही मिलेगा, बस कोशिश कर नहीं छोड़ना। आज हम नहीं आए तो क्या हुआ, हमारे अंदर कमी, अपने कमियों को झांकेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है, उस कमी को दूर करके हम लगातार मेहनत में लगे रहेंगे, आज नहीं तो कल हमारा नंबर आएगा ही आएगा। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं सीधे मैं शत्रुघ्न कुमार यादव तो आपको लगातार दिखा रहा हूँ। मैं कहना भी चाहूंगा इन बेटियों के लिए, कुछ पंक्तियों से संयुक्त करना चाहूंगा, प्रेरणा चाहूंगा कि चांद सी होती है बेटियां, माँ बाप को दर्द हो तो रोती है बेटियां, चांद सी होती है बेटियां, माँ बाप को दर्द हो तो रोती है बेटियां, बेटा एक किलो को रोशन करता है तो दो दो किलो को रोशन करती है बेटियां, दो दो किलो को रोशन करती है बेटियां। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, नमस्कार। तो जैसे आप देख रहे हैं आज पीडी सेंट्रल एकेडमी में 9वां क्रॉस कंट्री का प्रतियोगिता हुआ जिसमें तमाम 3 बच्चों को रखा गया था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, लेकिन जिन्होंने बाजी मार लिया उनके चेहरे पे चमक, और जिन्होंने बाजी नहीं मारा उनसे जानेंगे सीधे, देखिए कैसे। क्या नाम है आपका? चिलबिली खाच। कहाँ से हैं आप? महुआ से। हाँ। आप इस दौड़ में प्रतियोगिता में भाग ली थी? यस। इस आयोजन में आपने, जैसे मान लीजिए दौड़ में आपने पार नहीं कर पाया था, क्या करना चाहेंगे इसके बारे में? क्या अगली पार कर दी। आपने पार कर दी थी, सीधे मैं जोड़ना चाहूंगा। क्या नाम बेटा? अनु कुमारी सिंह। कहाँ से? रूपी बगाई। कौन से स्कूल से आप पढ़ती हैं? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गनी चकिया जी। आपको इस दौड़ में आने के लिए आपको मन में कहाँ से माइंड आया कि इस दौड़ में हमको जाना चाहिए? हमारे दिल से। दिल से? हाँ। और आपने पूरा प्रयास किया? पूरा प्रयास कर पार भी कर लिए। कौवे नंबर पे आप आए थे? 13-14। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं तमाम जुड़ा हुआ यहाँ पे है, रो रही है। क्यों आप रो रही हैं? सामने करिए, क्यों रो रही हैं आप? क्या नाम है आपका? गुंजन कुमार। आप रो क्यों रही हैं? सामने आइए। देखिए दौड़ है, इसमें किसी को ही अव्वल आना है, आपने पूरा प्रयास किया। कितना आपका उम्र हो रहा होगा? 13-14। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा इस दौड़ में सबसे बड़ी जो अहम भूमिका थी, इसमें उम्र का सीमा नहीं था, यानी कम उम्र से लेकर बड़े उम्र के भी दौड़ धावक इसमें जगह ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बच्ची है जो दौड़ में अपनी जगह नहीं बना पाई है, उसके दुख में इसकी आंसू छलक रहे। क्या क्यों रो रही हो तुम? हार गए। इसलिए देखिए हौसला को पुनः बरकरार रखना चाहिए, हारी नहीं हो, तुमने प्रयास किया है पूरे। यहाँ पे देखिए जुड़ी है, क्या नाम है आपका? स्नेहा सिंह। से कहाँ से हैं आप? सिद्धवानिया। कौन से स्कूल से? घनी चकिया। तो इसे देख रहे हैं कहीं ना कहीं बच्चों में जज्बा था इस दौड़ को जीतने के लिए, लेकिन इनकी चेहरे इनकी आंसुए बयां कर रही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया और इस दौड़ से प्रतियोगिता से बाहर हुए। सीधे हम उनसे भी आपको मिलाएंगे जो इस दौड़ में अव्वल आए हैं। बने रहिए मेरे की विभिन्न पंचदेवरी। मुझे लगता है कि खेल प्रोग्रामों का ये खेल का एक मैदान बन गया है जी। ये पूरे जिले में
अगर हम किसी मैदान को चयन करके खेल का मैदान कौन प्रखंड को माना जाए तो हमारा पंतदेवरी प्रखंड खेल शिक्षा हर चीज के लिए एक मैदान बन गया है और ये बहुत बड़े गर्व की बात है और इसमें हमारे बबलू जी का भी योगदान है और बबलू जी की तरह और भी बहुत से हमारे सभी आप देख सकते हैं कि सारे जनप्रतिनिधि सारे मीडिया बंधु सभी लोग एक साथ एक मंच पे आ गए हैं तो ये लग रहा है कि मतलब एक समारोह चल रहा है और ये लगातार चल रहा है और इस समारोह में हम लोग हिस्सा बन रहे हैं ये हम लोग के लिए गर्व की बात है और इस प्रकार के प्रोग्राम से कहीं ना कहीं पंतदेवरी का भी नाम रोशन हो रहा है गोपालगंज का भी नाम रोशन हो रहा है और साथ ही इन बच्चों के भविष्य के लिए भी इनके उत्साह के लिए भी इस प्रोग्राम का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं समय कम है, कुछ ही पलों में दौड़ का आरंभ होने वाला, हम सीधे जुड़ना चाहेंगे सीईओ साहब से, कुछ बताएं कि कैसी जो बच्चे लाइन से पूरी कतार में महिला बच्चियां भी हैं बच्चे भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा आयोजन किया, मैं बबलू गिरी साहब का धन्यवाद देता हूँ कि छोटे से प्रखंड में इस तरह का आयोजन किया है जहाँ पर दूसरे जिले के नहीं दूसरे राज्य के भी बच्चे आकर मैराथन में भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं सीधे मैं बन रहा हूँ कि इस तरह की आयोजन हो रही है इस पंचदेवरी पीढ़ी सेंट्रल एकेडमी के बच्चों के द्वारा आज वो आरंभ होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से जी। आज जो दौड़ है बहुत खूबसूरती दौड़ है, बहुत अच्छा दौड़ है। इस दौड़ में हम सभी लोग मिलकर बबलू गिरी जी का बहुत बहुत बड़ा सहयोग है क्योंकि हर साल की बात है, इस साल भी करवा रहे हैं। बिल्कुल, तो आप लोग देख रहे हैं, मैं सीधे जुड़ना चाहूंगा जो स्पीडी सेंट्रल एकेडमी के प्रबंधक है अशोक कुमार गिरी जी, हम सीधे जुड़ना चाहेंगे इनसे भी जानना चाहेंगे आज 51वां वर्ष का जो प्रतियोगिता आरंभ हुआ है और इस जो बच्चे दूर दूर से आए कहाँ कहाँ से बच्चे इसमें भाग लिए हैं। आपको धन्यवाद जी। साथ साथ जो भी हमारे पदाधिकारी सीओ साहब वीडियो साहब और प्रमुख जी पूर्व प्रमुख जी और विवेका भैया वीरेंद्र भैया सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं मुगिर, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों के सहयोग से और आज यह 9 साल संपन्न होने जा रहा है दौड़ और ज्यादा नहीं है बच्चों को लेट हो रहा है जी, और बिल्कुल, फिर बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं पूरी तरह सामने बच्चे हैं और पीछे बच्चियां, इस तरह की दौड़ का आरंभ कुछ ही पलों में आरंभ होने जा रही है, पुनः हम आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।